हेलो दोस्तों, आज हम आकलवुड फॉसिल पार्क के बारे में बात करने वाले हैं। यह पार्क जियोलॉजिकली और बायोलॉजिकली इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसकी डिटेल में बात करेंगे। तो तब तक इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली में अपडेट मिस ना करें। आकलवुड फॉसिल पार्क इंडिया का नेशनल जियोलॉजिकल मोन्यूमेंट है। इसके साथ साथ ये बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट भी है। आकल फॉसिल पार्क राजस्थान के जैसलमेर में पड़ता है। यह पार्क 52 एकड़ में फैला है और सी लेवल से इसकी हाइट 247 मीटर है। इस फॉसिल पार्क में कई सारे फॉसिल मिले हैं, फुटप्रिंट मिले हैं उनको, पेट्रोसोरस, पेट्रोफाइलम, इक्विसेटाइल्स, पेट्रियोफाइलम, ग्रेस्टोपोर शेल जो अर्ली जुरासिक काल के हैं वह मिले हैं। कई ऐसी ट्रीज़ मिली हैं जो पेट्रीफाइड होकर रॉक में चेंज हो चुकी हैं। यहाँ जो सबसे लंबी ट्री ट्रंक मिली है वह है 13.4 मीटर इन लेंथ एंड 0.9 मीटर इन विड्थ। यहाँ पर 25 पेट्रीफाइड ट्री ट्रंक मिल चुकी हैं जिनकी जो जियोलॉजिकल डेट निकाली गई तो 180 मिलियन ईयर्स थी। यहाँ पे मिले ग्रेस्टोपोडा के शेल्स यह बताते हैं कि यह एरिया एक टाइम पे डीप सी से पूरी तरह ढका हुआ था। फिर उसके बाद जो जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हुई और जिस कारण यह जो टेरेन था वो पूरा पूरा अपलिफ्ट हो गया और ड्राई सीजन में बदल गया। जहाँ पहले यहाँ पे ह्यूमिड और वेट क्लाइमेट होता था जिस कारण काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे मिले हैं, जो जलीय जीव मिले हैं उनके जीवाश्म मिले हैं, उनके फुटप्रिंट्स मिले हैं। यहाँ की जो होस्ट रॉक है जिसमें सारे फॉसिल मिल रहे हैं वो एक कॉन्टिनेंटल रॉक है, यानी वो कभी मेराइन थी ही नहीं। तो यह एरिया जियोलॉजिकली प्रोसेस को समझने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कैसे कैसे चेंजेस होते हैं और कब डीप मेराइन सी एक एरिड रीजन में बदल गया। यहाँ पर मिले ट्रीज़ में मोस्टली वह ट्रीज़ हैं जो नॉन फ्लावरिंग ट्रीज़ थी, जैसे चीर, देवदार, रेडवुड, जिम्नोस्पर्म आदि। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1972 में इसे जियोलॉजिकल मोन्यूमेंट घोषित किया और वहाँ से 1985 तक ही इसका संरक्षण करते रहे। फिर उसके बाद इन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट राजस्थान को दे दिया और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने इसे डेजर्ट नेशनल पार्क के रूप को दे दिया। यहाँ पर मिले फॉसिल्स और ट्री ट्रंक को एक लोहे की ग्रिड में रखा गया है ताकि कोई बाहर उसको नुकसान ना पहुँचा सके। और पास में ही एक म्यूज़ियम भी बनाया गया है जहाँ पर हम जाके इन फॉसिल्स को देख सकते हैं, उनके बारे में सीख सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं। यह पार्क बायोडाइवर्सिटी और जियोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ताकि हम सब अपने जान सकें कि पहले कैसा क्लाइमेट हुआ करता था, क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अगर आपको जियोलॉजी या एनवायरनमेंट से काफ़ी ज़्यादा लगाव है तो आपको यहाँ ज़रूर जाना चाहिए और जाके देखना चाहिए कि हमारी हिस्ट्री क्या थी। तो दोस्तों, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देख सकें, और आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही अच्छे वीडियो बनाने के लिए।